दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में जिनको आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो और काफी कम खर्चे में उन सब्जियों की खेती करके काफी शानदार मुनाफा उन सब्जियों से आप निकाल सकते हो। यानी कि आपको उन सब्जियों में प्लास्टिक मल्च भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्लास्टिक मल्च का उपयोग नहीं भी करते हैं तब भी आपको उन फसलों से काफ़ी शानदार उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी शानदार उन सब्जियों से आपको मंडी रेट मिल जाएंगे। मंडी में उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी शानदार बनी रहेगी आने वाले समय में और काफ़ी अच्छे मंडी भाव उन सब्जियों से आपको मिलते रहेंगे। कहने का मतलब है कि जनवरी माह में ओपन फील्ड में उन सब्जियों को लगाकर आप काफ़ी शानदार मुनाफा निकाल सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर जिन सब्जियों की खेती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उन सब्जियों को लगाने का जो खर्चा है हमारा वो काफी कम होने वाला है। जिन सब्जियों को लगाने का खर्चा अगर हम कम कर लेते हैं यानी जिन सब्जियों में खर्चा कम आता है उनसे हमारा मुनाफा थोड़ा और ज़्यादा निकल के आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें लगाने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। खर्चा जब हम इतना ज़्यादा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बचत होती है उसको वो खर्चा प्रभावित कर देता है, क्योंकि लगाने से पहले ही इतने खर्चे अगर हम कर देते हैं तो उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मंडी भाव की और एक अच्छे उत्पादन की। उत्पादन और मंडी भाव थोड़े से भी अगर डाउन रह जाते हैं और हमने खर्चा पहले ही इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं तो भाई हमारा बचत जो होता है वो काफी कम निकल के आता है। लेकिन ये सब्जियां जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं उनमें हमारा खर्चा जो है वो काफी कम होने वाला है। प्लास्टिक मल्च वगैरह भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज का जो खर्चा होगा वो भी काफी कम होगा। बाकी सब्जियों के आजकल जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बीज का जो खर्चा होता है हमारा वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ इन सब्जियों की फसलों में नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका खर्चा जो है यहां पर वो काफी कम होने वाला है। तो अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या जनवरी माह में ओपन फील्ड में अगर किसी सब्जियों की फसल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देसी टीनसी की फसल ले सकते हैं। देसी टीनसी अगर दोस्तों अगर आप इस समय पर लगाते हैं तो देसी टीनसी में लगाने का आपका जो खर्चा होगा वो काफ़ी कम होगा। बीज भी इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, एकदम सस्ती रेट में आपको इसका बीज मिल जाएगा, वो भी हाइब्रिड बीज मिलेगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाएगा और आने वाले दिनों में इसके जो मंडी रेट आएंगे वो काफ़ी शानदार निकल के आएंगे। देसी टीनसी के मंडी रेट शुरुआती दिनों में तो आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे ही, उसके बाद भी जो है गर्मियों में भी लंबे समय तक जो है मंडी रेट काफ़ी अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि देसी टीनसी के मंडी रेट इतने ज़्यादा डाउन नहीं आ जाते हैं। कई बार बाकी सब्जियों के जो मंडी रेट होते हैं वो 4-5 रुपये केजी तक आ जाते हैं या मंडी में उनकी डिमांड जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ऐसा कुछ जो है देसी टीनसी की फसल में हमें देखने को नहीं मिलता है। देसी टीनसी की डिमांड हर वक्त बनी रहती है और हर वक्त आपको इसके मंडी भाव जो होंगे वो काफ़ी अच्छे मिलते रहेंगे और उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। देसी टीनसी अगर आप इस समय लगाने वाले हैं तो जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जैसे ही टेम्परेचर ठीक हो जाए उस समय आप इसकी ओपन फील्ड में बुआई कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च मैंने आपको बताया है, चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज गर्मियों वाली फसलों में आपको प्लास्टिक मल्च भी लगाने की जरूरत नहीं है। बेड बनाकर जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके और 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डाल देनी है। किसी भी तरह की सब्जियों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आपको अच्छा उत्पादन निकालना है तो आपको गोबर की खाद तो भाई डालनी पड़ेगी और वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो रिजल्ट आपको काफी हटके मिलेंगे। तो सड़ी हुई गोबर की खाद आप जमीन की तैयारियां करते समय डालें और उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हल से और 1 कल्टीवेशन जो है कल्टीवेटर से करके और अपने बेड प्रिपरेशन का कार्य पूरा करें। बेड प्रिपरेशन का कार्य आपको 4-4 फीट की दूरी पर करना है, यानी कि 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। ज्यादा स्पेस आपको बीच में नहीं रखना है क्योंकि इसके प्लांट इतने ज्यादा हैवी या बड़े नहीं होते हैं। तो 4-4 फीट की दूरी पर आप इसके जो है बेड प्रिपरेशन का कार्य पूरा करें और उसके बाद में सिंगल लाइन में आप इसकी सीड सोविंग करें, यानी कि 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसका सीड सोविंग करना है। यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1-1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी मैक्सिमम आप 4 फीट तक रख सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में देसी टीनसी के मंडी भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी इसका जो है आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और
बेसल डोज का भी आपको इसमें कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 40 केजी जो डीएपी होती है वो आप डाल सकते हैं, 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी डाल दें, क्योंकि गर्मियों में आपको इसका उत्पादन लंबे समय तक लेना है। तो गर्मियों में अगर किसी फसल को लगा रहे हैं तो इसमें डीएपी का जो रोल होता है वो काफी अच्छा होता है, नमी जो है वो बराबर बनी रहती है, फास्फोरस की पूर्ति भी होती रहेगी, फल और फूल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिलता रहेगा। तो जो डीएपी है वो आप जरूर डालें 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, और कोई आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का और खर्चा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी तरह के बाकी के फर्टिगेशन जो है वो भी आपको इसमें ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर शुरुआती दिनों में ग्रोथ वगैरह थोड़ी कम दिख रही है आपको, तो शुरुआती एक फर्टिगेशन जो है एनपीके 19:19 का आप कर सकते हैं, और उसके बाद में दूसरा फर्टिगेशन आप एनपीके 12:61:0 का जो है फल और फूल के समय कर सकते हैं, और इसके आगे आपको ज्यादा बाकी फर्टिगेशन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रस चूसने वाले कीटों का अटैक भी इसमें कोई ज्यादा नहीं होता है, इसलिए स्प्रे भी आपको कोई ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। फ्रूट फ्लाई का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना है। फ्रूटिंग के समय अगर फल मक्खी का अटैक आपको देखने को मिलता है तो आप जगह जगह पर अपने खेत में जो है 10 से 15 प्रति एकड़ के हिसाब से फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, और 1-2 जो है इंसेक्टीसाइड के स्प्रे निकाल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर देसी टीएनसी लगाकर काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर जनवरी में ही आप और कोई फसल लगाना चाहते हैं, वो भी ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो है 56 टिंडे की खेती कर सकते हैं। 56 टिंडे को भी अगर आप ओपन फील्ड में लगाना चाहें तो बेशक आप जनवरी माह में आखिरी सप्ताह तक लगा सकते हैं। इसमें भी आप चाहे तो प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं तो भी आपके उत्पादन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके जो प्लांट की ग्रोथ होगी तब तक टेम्परेचर जो है वो काफी नॉर्मल हो जाएंगे, और गर्मियों में प्लास्टिक मल्च की इन फसलों में कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिना प्लास्टिक मल्च के आप जो है 56 कद्दू की खेती भी कर सकते हैं, और 56 कद्दू की खेती अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको मंडी भाव जो है वो काफी शानदार मिल जाएंगे आने वाले समय में, और उत्पादन भी इसका जो है वो आपको काफी शानदार मिलता रहेगा। 56 कद्दू की अगर आप खेती कर रहे हैं तो वही आपको जमीन की तैयारियां करते समय 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, और 40 केजी डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देनी है, और इसमें आप चाहें तो 10-20 केजी जो है आप एमओपी पोटास जो है वो भी डाल सकते हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से 20 केजी पोटास आप डाल सकते हैं। बाकी और कोई ज्यादा आपको इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य कर लेना है, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी सिर्फ आपको 1 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी आप मैक्सिमम 4 फीट तक रख के इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी वैरायटियों की अगर बात करें तो 56 टिंडा अगर आप लगा रहे हैं तो यहां पर आप पाहुजा कंपनी का डोन 17 एक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी वैरायटी का आपको फल मिलेगा और काफी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से आपको मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू भी इसके फल की आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। तो पाहुजा का डोन 17 आप यहां पर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर देसी टीएनसी की बात करें तो यहां पर आप जो है ईस्ट वेस्ट कंपनी का भटिंडा के नाम से एक वैरायटी आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। अगर आप इस तरह की खेती करते हैं, तोरी वगैरह अगर आप लगाते हैं, तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का सीड आपने जरूर काम में लिया होगा। काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाते हैं, फ्रूट भी काफी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और उत्पादन भी आपको इससे काफी अच्छा मिल जाएगा। तो इन दोनों वैरायटियों को आप चयन कर सकते हैं। देसी टीएनसी की भी मैंने वैरायटी बता दी और 56 टिंडे की भी मैंने यहां पर वैरायटी बता दी है। तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप इन दोनों फसलों का चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों फसलों को लगाकर आप काफी शानदार मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।